कौन सा काम किया, इतना सीरियस सब्जेक्ट है, इसलिए उसकी जो गंभीरता है उस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने कार्यकर्ताओं को भविष्य में अगर हम अपने आजादी का आंदोलन चला रहे हैं तो मैं ऐसे मानता हूं कि दुनिया में जहां भी आजादी का आंदोलन शुरू हुआ वो कम और अधिक समय में उसका एंड होता है। अगर आजादी के आंदोलन का एंड होता है तो इसका मतलब आजादी मिलेगी तो आंदोलन आजादी का एंड होता है। 1885 को कांग्रेस ने आजादी का आंदोलन शुरू किया और 1947 को उनको आजादी मिली। 43 ईयर में कांग्रेस को, केवल 63 ईयर में कांग्रेस को आजादी मिली। जो 3% ब्राह्मणों का और बनिया और उन लोगों को मिला दिया जाए, 10-15% लोगों का आंदोलन अगर वो 63 ईयर में सफल हो सकते हैं तो हम भी यकीन कर सकते हैं कि कुछ समय लगेगा, कुछ साल लगेगा, अगर हम इसी तरह से मार्च ऑन करते रहे तो हम भी सफल हो जाएंगे। अगर हम भी सफल हो गए तो हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को और इस आंदोलन को चलाने वाले जो लोग हैं, अगर आपका आजादी का आंदोलन सफल हो गया तो इस देश को चलाने का काम हमारे लोगों को करना है। अगर इस देश को चलाने का काम हमारे लोगों को करना है तो ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। वो इसलिए जानना और समझना जरूरी है क्योंकि अगर आप लोग इसको भविष्य में चलाने की जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस जो है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी चाहिए, हमारे लोगों के पास जानकारी चाहिए। क्योंकि भविष्य में आपको अगर आजादी मिली तो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाना चाहते थे वो पूरी तरह से बना नहीं पाए, वो चीजें भी आप लोगों को बनानी पड़ेगी। वर्तमान संविधान मूल निवासियों की संपूर्ण जो आकांक्षा है, हो सकता है ये संपूर्ण आकांक्षा पूरी करने के लिए पर्याप्त ना हो तो उसमें इस तरह का परिवर्तन करना होगा। और भविष्य की बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये संविधान में संशोधन का जो प्रोविजन है उसका उपयोग किया जा सकता है और उसको लिए उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने ये कहा कि संशोधन करने का अधिकार क्यों दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए, तो उसका समर्थन करने के लिए उन्होंने एक सेंटेंस का उपयोग किया कि मृत व्यक्ति जिंदा लोगों पर राज नहीं कर सकते, जिंदा लोगों को ही राज करना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कि मृत व्यक्ति जिंदा लोगों पर राज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यह है कि जो जिंदा लोग हैं वो अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी व्यवस्था का निर्माण करें, ये उसका मतलब है। इसके लिए संविधान में संशोधन करने की जो व्यवस्था है वो उपलब्ध है। तो इतनी सारी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को इस विषय पर डिस्कशन और डिबेट करना जरूरी है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और संविधान ने फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस, ये जो गवर्नेंस है उसका जो फॉर्म है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस जो है उसको स्वीकार किया। दुनिया में डेमोक्रेसी के दृष्टि से अगर देखा जाए तो दो महत्वपूर्ण फॉर्म जो है डेमोक्रेसी के दुनिया में दिखाई देते हैं ज्यादा पॉपुलर। एक फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस एंड दूसरा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस। दो बातें, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म है और इंग्लैंड में
पार्लियामेंट्री फॉर्म है। डेमोक्रेसी में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म है दुनिया में। हमारे संविधान ने और संविधान निर्माताओं ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म के बजाय पार्लियामेंट्री फॉर्म को स्वीकार किया। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में डिफरेंस क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म में स्टेबिलिटी होती है, एक बार राष्ट्रपति चुनकर आया, अगर 5 साल के लिए आया या 6 साल के लिए आया तो 6 साल तक उसको किसी भी स्थिति में हटाया नहीं जा सकता, अगर एबनॉर्मल सिचुएशन ना हो तो। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में स्टेबिलिटी, इसकी विशेषता है स्टेबिलिटी, इसमें आपको स्टेबिलिटी मिलती है। अगर वो प्रेसिडेंट जनता के विरोध में काम कर रहा है तो भी स्टेबिलिटी, ये उसकी खामी है। मगर स्टेबिलिटी जो है, जैसे हमारे देश में बार बार गवर्नमेंट अगर गिरती है, फिर चुनाव होता है, गिरती है, तो अस्थिरता, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है अकाउंटेबिलिटी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की विशेषता है स्टेबिलिटी, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की विशेषता क्या है? अकाउंटेबिलिटी। ये पार्लियामेंट में अगर सरकार के पास बहुमत है इसलिए उन्होंने सरकार बनाई, बहुमत से सरकार बनती है, मगर केवल बहुमत से सरकार चलती नहीं है, सरकार चलने के लिए जनहित के काम करने पड़ते हैं। अगर असंतोष डेवलप हो गया, असंतोष डेवलप होने की वजह से अगर समर्थन करने वाले दलों ने अपना समर्थन विड्रॉ कर दिया तो 5 साल पूरे किए बगैर ही वो सरकार गिर जाती है। तो ये इसमें जो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं जवाबदेही। तो ये जो जवाबदेही है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में ये जवाबदेही इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार गिर भी सकती है, गिरती है, गिरी भी है, ऐसा कई बार हमारे देश में हुआ। तो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म में स्टेबिलिटी विशेषता है और पार्लियामेंट्री फॉर्म में अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही महत्वपूर्ण है। संविधान निर्माताओं ने अकाउंटेबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया बनिस्बत स्टेबिलिटी को, और इस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म को स्वीकार किया गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म में एक और महत्वपूर्ण बात होती है, एक दल सरकार चलाता है और दूसरा जो दल है वो विरोधी पार्टी की भूमिका का निर्वहन करता है। इससे क्या होता है, जो सरकार चलाने वाले लोग हैं अगर उनके चलाने में कोई नुक्स है तो विरोधी पार्टी उस नुक्स को जनता को बताती है।